Assalamu alaikum student, my name is Ms. Sadaf, I am your biology teacher. Today I am here to deliver the lecture on the topic of lytic life cycle of bacteriophage. This topic is included in your first year textbook of biology. Ab the topic ki taraf aate hain, hamara topic hai lytic life cycle of bacteriophage. Life cycle pe jaane se pehle hum log dekhte hain what is bacteriophage, ke bacteriophage hota kya hai. Bacteriophage ki word derivation dekhi jaye to bacteriophage two words se derived hua hai, ek hai bacterio, dusra hai phage. बैक्टीरियो वर्ड तो शो करता है किसको, बैक्टीरिया को, जबकि फेज का मतलब होता है इंगल्फिंग या ईटिंग, किसी चीज़ को खाना या इंगल्फ करना. ठीक है, तो वर्ड डेरिवेशन को देखते हुए इसकी मोस्ट सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या है कि इट इज़ द टाइप ऑफ वायरसेस डेट अटैक ऑन बैक्टीरिया, कि ये हमारे पास वो वाले वायरसेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ अटैक करती हैं किस पे, बैक्टीरिया पे, जिनका होस्ट सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया को ईट करने की वजह से या बैक्टीरिया को इंगल्फ करने की वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस. ठीक है, लाइफ साइकिल के लिए हम लोग इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेती हैं. बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को टू मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हेड, दूसरा है टेल रीजन. ठीक है, हेड को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और टेल को फर्दर फोर पार्ट में. डायग्रामेटिकली हम लोग इसे समझते हैं, हेड वाला जो रीजन है, ये जो अपर रीजन जो शो किया हुआ है, ये कौन सा हेड रीजन. हेड के फर्दर टू पार्ट हैं, एक है कैप्सिड, दूसरा है जीनोम. कैप्सिड हमारे पास एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है जिसकी आइकोसाहेड्रल इन शेप होती है, यानी कि 20 साइड्स होती हैं बिल्कुल प्रिज्म की तरह, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये दूसरे पार्ट जीनोम को प्रोटेक्ट कर होता है. सेकेंड हेड का जो रीजन है वो कौन सा है, जीनोम. जीनोम जो है वो कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होता है और डिफरेंट वायरसेस का डिफरेंट जीनोम होता है. कुछ वायरसेस का जीनोम आरएनए पे कंसिस्ट करता है, कुछ वायरसेस का जीनोम डीएनए पे कंसिस्ट करता है. जो हमारे पास ये बैक्टीरियोफेजेस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करती हैं, इनका जो जीनोम है किस पे कंसिस्ट करता है, डीएनए पे. ठीक है, तो ये जीनोम या डीएनए और कैप्सिड मिलकर इसका बैक्टीरियोफेज का कौन सा रीजन बना देती हैं, हेड वाला रीजन. सेकेंड पार्ट जो मेजर है बैक्टीरियोफेज का वो कौन सा है, टेल. टेल को फर्दर फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हमारे पास सबसे पहले कॉलर रीजन, ये ब्लू कलर का जो शो हो रहा है ये हमारे पास कौन सा है, कॉलर है ये टेल का पार्ट, लेकिन ये हेड और टेल वाले रीजन को आपस में क्या कर होता है, जोड़ रहा होता है. इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं कि ये हेड और टेल का कनेक्टिंग लिंक आ जाता है, बिल्कुल नेक की तरह दो पार्ट को आपस में जोड़ रहा होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेल का सेकंड पार्ट है शीट. टेल की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल, सिलेंडर लाइक शेप होती है, अंदर से ये बिल्कुल हालो खाली सा होता है और बाहर से इसकी शीट लेयर प्रेजेंट होती है, और वो शीट जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनी होती है. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये इसका फंक्शन क्या है, ये टेल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने की वजह से इसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहती हैं. कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो जीनोम है वो हेड वाले रीजन से पास करता हुआ किसकी बॉडी में चला जाता है, होस्ट बैक्टीरिया की बॉडी में. नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है टेल का वो कौन सा है, बेसल प्लेट. बेसल प्लेट हमारे पास प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, टेल की बेस के साथ अटैच होने की वजह से इसे क्या बोलती हैं, बेसल प्लेट. बेसल वर्ड डिराइव हुआ बेस से और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, और बेसल प्लेट पे एक स्पेशल टाइप का इंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलती हैं, लाइजोजाइम. ये लाइजोजाइम इंजाइम क्या करता है, जो बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है उस सेल वॉल को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, और उसे डाइजेस्ट करके उसमें रास्ता बना देता है या ओपनिंग बना देता है जिसमें से बैक्टीरियोफेज अपने जीनोम को बैक्टीरिया की बॉडी में इंटर करवा सकते हैं ईजिली. नेक्स्ट हमारे पास बेसल प्लेट के बाद टेल का जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा है, टेल फाइबर्स. ये फाइबर्स लाइक या रेशानुमा स्ट्रक्चर हैं जो अटैच होती हैं टेल के साथ, इस वजह से इन्हें टेल फाइबर्स कहते हैं. इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के साथ अटैच होने में हेल्प कर रही होती हैं. ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर. बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. टॉपिक क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. के बैक्टीरियोफेजेस के जो लाइफ साइकिल हैं वो टू टाइप्स के होती हैं, एक लाइटिक लाइफ साइकिल है, दूसरा लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल. लाइटिक लाइफ साइकिल को मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी बोलती हैं, जबकि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप भी बोलती हैं. ठीक है,
इसे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं या इसे होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं, ये आगे फर्दर साइकिल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हमारे पास जो लाइटिक लाइफ साइकिल है, अपने मेन टॉपिक की तरफ आएँ तो लाइटिक लाइफ साइकिल को लाइटिक लाइफ साइकिल क्यों बोलती हैं, क्योंकि लाइटिक वर्ड डिराइव्ड हुआ है किस में से, लाइसिस में से, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या किसी चीज़ का टूट जाना। ठीक है, इसे क्यों लाइटिक नाम दिया गया इस लाइफ साइकिल को, क्योंकि इसमें जो होस्ट बैक्टीरिया है उसकी लास्ट में क्या हो जाती है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। जब ये वाला साइकिल कम्प्लीट होता है, लास्ट में होस्ट सेल या बैक्टीरिया सेल की ब्रेक डाउन होने की वजह से इस साइकिल को क्या बोलते हैं, लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। एक्सप्लेनेशन में आए तो ये वाला जो साइकिल है ये डिफरेंट स्टेप्स में कम्प्लीट होता है, 7 डिफरेंट स्टेप्स हैं जो मिलकर इस लाइटिक लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास स्टेप जो है वो है अटैचमेंट। किसकी अटैचमेंट, बैक्टीरियोफेज वायरस की अटैचमेंट किसके साथ, बैक्टीरिया होस्ट के साथ। ठीक है, स्टेप को क्या बोलेंगे, अटैचमेंट। सेकंड हमारे पास जो स्टेप है वो कौन सा है, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। के अटैच होने के बाद जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ताकि वहां पे ओपनिंग बन सके, रास्ता बन सके जिसमें से बैक्टीरियोफेज अपने जीनोम को उसकी बॉडी में एंटर करवा सके। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारे पास है इंजेक्शन ऑफ वायरल डीएनए। जब सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाती है तो बैक्टीरियोफेज अपने वायरस को एंटर करवाता है, उस स्टेप को बोलेंगे इंजेक्शन ऑफ वायरल डीएनए। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइजेशन ऑफ होस्ट डीएनए, के वायरस का जो डीएनए है वो होस्ट के बैक्टीरिया के डीएनए को हाइड्रोलाइज कर देता है या पीसेस में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास 5 स्टेप है रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए, वायरस जो अपने डीएनए की कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देगा। 6 स्टेप है हमारे पास असेंबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वायरल कंपोनेंट्स, के वायरस के जो भी सारे कंपोनेंट्स हैं उसके जीनोम उसके सारे पार्ट्स वगैरह वो असेंबल हो जाते हैं और पैकेजिंग कर लेते हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास जो है या 7 स्टेप जो है वो कौन सा, सेल लाइसिस, कौन से सेल की लाइसिस हो जाती है, जो बैक्टीरियल होस्ट सेल है उसकी लाइसिस हो जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक, इसका जो मेन लाइफ साइकिल को हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक हम लोगों ने जो है उसे एक्सप्लेन कर दिया। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को स्टार्ट किया था, लेकिन हम लोगों ने साइकिल को स्टार्ट करने से पहले बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा था, उसकी वर्ड डेरिवेशन डेफिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में डायग्राम से हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर समझा था और बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल की टाइप्स को डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लाइटिक लाइफ साइकिल के स्टेप को फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा था। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने लाइफ साइकिल की तरफ, कौन से लाइफ साइकिल की तरफ, लाइटिक लाइफ साइकिल और बैक्टीरियोफेज। लाइफ साइकिल स्टार्ट कब होता है, जब हमारे पास बैक्टीरियोफेज आके बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर लैंड करता है। ठीक है, जब वो आके उसके ऊपर लैंड करता है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप अटैचमेंट टू अ बैक्टीरियल सेल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा देख लें। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो उसकी आउटर मोस्ट जो वॉल है जिसे सेल वॉल बोलते हैं, और दूसरा उसका डीएनए जीनोम जो है वो कंसिस्ट करता है डीएनए पे, जिसे हम बैक्टीरियल डीएनए बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ आके अटैच होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन पे अटैच होता है जिसे रिसेप्टर साइट बोलते हैं। रिसेप्टर साइट हमारे पास स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन को डिटेक्ट कौन करते हैं, हमारे पास बैक्टीरियोफेज के टेल फाइबर्स उस प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं और जाके उस रिसेप्टर साइट पे बाइंड हो जाते हैं या अटैच हो जाते हैं। जब ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं, हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज टू अ बैक्टीरियल सेल क्या हो जाता है, कम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट होने के बाद हम लोग कौन से स्टेप की तरफ आते हैं, सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है कि वो बाहर से किसी भी चीज़ को बैक्टीरिया की बॉडी में इंटर होने से प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या होगा, बैक्टीरियोफेज का सबसे पहला काम ये होता है कि उस बैरियर को जो रोक रहा है बैक्टीरिया की बॉडी में इंटर होने पर, उस बैरियर को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में बताया था कि बैक्टीरियोफेज के बेसल प्लेट रीजन में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। डाइजेस्ट करना या
तोड़ना स्टार्ट कर देगा ताकि यहाँ पे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की बॉडी में रास्ता बन सके और बैक्टीरियोफेज अपने जीनोम को बैक्टीरिया की बॉडी में इंटर करवा सके। ठीक है, एक और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि जब हमारे पास लाइजोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करता है या तोड़ने की कोशिश करता है उस टाइम उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी वो बैक्टीरियोफेज के टेल वाले रीजन से एटीपी की फॉर्म में लेता है और इस एनर्जी को यूज़ करके बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेप डाइजेशन ऑफ सेल वॉल कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं जो कि क्या है, इंजेक्शन ऑफ वायरल डीएनए के। अब जो वायरस रास्ता बनाने के बाद अपने जीनोम को अपने डीएनए को बैक्टीरिया की बॉडी में उस रास्ते के थ्रू इंटर करवाएगा। ठीक है, अब इंटर कैसे करवाएगा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि टेल जो है वो अंदर से हॉलो होती है, खाली होता है और इर्द गिर्द उसकी जो प्रोटीन शीट है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो इस शीट इस प्रोटीन की वजह से टेल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी और हेड वाले रीजन से जीनोम जो है उस हॉलो टेल में से गुजरता हुआ किसकी बॉडी में इंटर हो जाएगा, बैक्टीरिया की बॉडी में इंटर होगा। एक बात यहाँ पे लाजमी याद रखनी है कि बैक्टीरिया कभी भी फुल उसका कैप्सल टेल फाइबर्स वाले रीजन सारी बॉडी इंटर नहीं होती बैक्टीरिया की बॉडी में, सिर्फ अपने वो जीनोम को इंटर करवाता है, बाकी सारी बॉडी बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर रह जाती है वायरस की और उसे क्या बोलती हैं, घोस्ट। ठीक है, घोस्ट हमारे पास वो वाले बैक्टीरियोफेजेस हैं जिसका जीनोम जो है वो उसकी बॉडी में से निकल जाता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट को घोस्ट बोलती हैं। ठीक है, जब हमारे पास जीनोम इंटर हो जाएगा बैक्टीरिया की बॉडी में बैक्टीरियोफेज का, उस वक्त हमारे पास थर्ड स्टेप इंजेक्शन ऑफ वायरल डीएनए क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद कौन सा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, फोर्थ स्टेप जो कौन सा है, हाइड्रोलाइजेशन ऑफ होस्ट डीएनए के। हमारे पास जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरिया की बॉडी में इंटर होने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का डीएनए जो ऑरेंज कलर का शो हो रहा था, इस डीएनए को सबसे पहले वो क्या करेगा, तोड़ देगा या उसकी डिस्ट्रक्शन कर देगा ताकि बैक्टीरिया का अपनी बॉडी पे कोई भी कंट्रोल ना रह सके। जब उसका डीएनए ख़त्म हो जाता है तो बैक्टीरिया का अपनी बॉडी से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और उसकी बॉडी पे कंट्रोल किसका आ जाता है, वायरस के डीएनए का। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर की तरह कौन एक्ट कर रहा होता है, हमारे पास वायरस का डीएनए, जबकि स्लेव की तरह एक्ट कर रहा होता है कौन, बैक्टीरिया का डीएनए, यानी बैक्टीरिया का डीएनए खत्म होने की वजह से बैक्टीरिया यहां पे गुलाम की तरह एक्ट करता है और किसके अंडर कंट्रोल आ जाता है, वायरस के। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बोलेंगे और इस डीएनए की ब्रेकडाउन को हम हाइड्रोलाइजेशन ऑफ होस्ट डीएनए बोलेंगे, बैक्टीरिया के डीएनए की ब्रेकडाउन को। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फोर्थ स्टेप हाइड्रोलाइजेशन ऑफ होस्ट डीएनए क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ स्टेप की तरफ आते हैं, फिफ्थ स्टेप कौन सा है, हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए के। जब डीएनए हमारे पास वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को जब ख़त्म कर देगा तो यहाँ पे अपनी प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी बैक्टीरिया की सिंथेटिक मशीनरी को, राइबोसोमल आरएनए को, राइबोसोम्स को, मैसेंजर आरएनए वगैरह को यूज़ करके अपनी प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये अपनी जो प्रोटीन है वो दो स्टेप में बनाएगा, फर्स्ट स्टेप हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन, सेकेंड स्टेप इज़ बायोसिंथेसिस ऑफ वायरल कॉम्पोनेंट। फर्स्ट स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा कि वायरस का डीएनए पहले अपने ही डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा, यानी अपने ही डीएनए की कॉपीज बनाना स्टार्ट करेगा, एक से दो बनाएगा, दो से चार बनाएगा, अपना नंबर डीएनए का क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। और जब अपने डीएनए की कॉपीज बना देगा तो कौन सा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। फिर वो इसी का सेकेंड पार्ट बायोसिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट स्टार्ट कर देगा, जिसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास वायरस का डीएनए है वो अपनी बॉडी की बाकी प्रोटीन जैसे कैप्सिड की प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा, टेल की प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा, टेल फाइबर्स की, बेसल प्लेट की, ये सारी प्रोटीन्स जब बन जाएंगी तो सेकंड स्टेप भी हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए का कंप्लीट हो जाएगा, जो कि क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट, यानी कैप्सिड, टेल फाइबर्स, ये सारी रीजन्स की प्रोटीन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ये सारी प्रोटीन एक दूसरे से अलग अलग प्रेजेंट है बैक्टीरिया की बॉडी में। जब फिफ्थ स्टेप कंप्लीट हो जाएगा रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए, इसके बाद हमारे पास सिक्स स्टेप की तरफ
आती हैं वो स्टार्ट हो जाएगा. सिक्स स्टेप है असेंबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, के जब वो सारी प्रोटीन अपने डीएनए की कॉपीज बना देगा, वो सारी अलग अलग जो प्रोटीन पड़ी हुई है बैक्टीरिया की बॉडी में, वो एक दूसरे के साथ अरेंज होके पैक होके हमारे पास छोटे छोटे डॉटर फेजेस बनाना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, तो इस स्टेप को क्या बोलेंगे, असेंबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. असेंबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ बैक्टीरियोफेजेस के हमारे पास कैप्सिड के कैप्सिड वाले रीजन के अंदर जीनोमा के अटैच प्रेस अटैच हो जाएगा या उसमें आके फिक्स हो जाएगा. हेड के साथ हमारे पास हेड के साथ अटैच हो जाएगा. हेड के साथ हमारे पास आके टेल वाला रीजन अटैच हो जाएगा, टेल के साथ टेल फाइबर्स वगैरह, और ये सारे मिलकर हमारे पास छोटे छोटे डॉटर फेजेस बना देंगे. और ये सारे डॉटर फेजेस जब बन जाएंगे, इनकी शेप अरेंज हो जाएगी, तो हमारे पास सिक्स स्टेप असेंबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ बैक्टीरियोफेजेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. सिक्स स्टेप के बाद हम अपने लास्ट स्टेप या सेवन स्टेप की तरफ आते हैं, कि जब ये सारे डॉटर फेजेस बन जाएंगे, ये सारे डॉटर फेजेस अब बैक्टीरिया की सेल वॉल की तरफ मूव करेंगे, सेल वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे. प्रेशर एग्जर्ट करने के साथ साथ ये एक एंजाइम रिलीज करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, लाइजिन एंजाइम. ये लाइजिन एंजाइम और प्रेशर की वजह से जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, बर्स्ट करना, या फिर हमारे पास टूटना स्टार्ट हो जाएगी, ताकि इन सारे डॉटर फेजेस को रास्ता मिल सके और ये बैक्टीरिया की बॉडी में से बाहर रिलीज हो सकें. ठीक है, और ये जैसा कि मैंने आपको, और हमारे पास यहाँ पे आके सेवन स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, जो कौन सा है, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल. लाइसिस का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक डाउन. किसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, बैक्टीरियल सेल की. लास्ट में ये सारे फेजेस बैक्टीरियल के सेल को, जो होस्ट सेल है उसको डिस्ट्रॉय करके उसमें से रिलीज हो जाती हैं और किसी और बैक्टीरिया पे अटैक करके दोबारा से इस लाइटिक लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करती हैं. ठीक है, तो इस लाइफ साइकिल को लाइटिक लाइफ साइकिल कहते ही क्यों हैं, क्योंकि ये यहाँ पे होस्ट सेल की लाइसिस हो जाती है या ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसकी वजह से इस साइकिल को लाइटिक लाइफ साइकिल कहते हैं. तो ये था हमारे पास लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसमें हम लोगों ने सेवन डिफरेंट स्टेप को डिस्कस किया. सेवन स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये वाला साइकिल जो है, यहाँ से फेजेस रिलीज होकर किसी और बैक्टीरिया पे अटैक करके इसी लाइफ साइकिल को दोबारा से क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे.